Now we are going to the next topic, which is formula for spherical surface refraction only for paraxial rays. आपको याद होगा paraxial rays वो थी जो principal axis के पास में होती हैं, with certain small angle of incident. I और R small होता है, तो हम small angle के जो approximations होते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे sin theta is equal to theta is equal to tan theta. Okay बेटा, तो now we are going to derive formula for spherical surface. Okay, this is object. ऑब्जेक्ट से जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. दिस इज इमेज. इमेज पर जो रे जाती है उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं. ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है. दिस ब्लू लाइन इज नॉर्मल. क्लियर होगी बात बेटा. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज आई. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर. क्लियर होगी बात बेटा. ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया. अब मैं अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ एंगल्स मान लेता हूं. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा. क्लियर होगी बात बेटा. तो अगर मैं ट्रायंगल को देखूं, ओ ए सी ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्मल वाली लाइन है. तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ ए सी. ओ ए सी ट्रायंगल में देखिएगा बेटा, अगर ओ ए सी ट्रायंगल देखते हैं तो ये वाला एंगल जो आई है ये एक्सटीरियर एंगल है, और आपको पता है ज्योमेट्री से एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. क्लियर हो गई बात बेटा. और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं, दिस ट्रायंगल ए सी आई, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा, और इंटीरियर एंगल कौन है, आर गामा. तो क्या मैं लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ए सी आई बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा. तो आर कितना आ जाएगा, आर टर्न्स आउट टू बीटा माइनस गामा. क्लियर हो गई बात बेटा. अब मुझे पता है दिस इज रिफ्रैक्शन, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं. अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर. म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर. आपको पता है सिंस एंगल्स आर स्मॉल, तो क्या मैं लिख सकता हूं, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर. आई की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूंगा तो आएगी अल्फा प्लस बीटा. म्यू वन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस गामा. बीटा के टर्म्स एक तरफ पढ़ लेते हैं, अल्फा गामा एक तरफ, तो लिख सकता हूं म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा इज इक्वल टू बीटा म्यू टू माइनस म्यू वन. क्लियर हो गया बात बेटा. म्यू वन अल्फा दिस टर्म, ये गामा इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बीटा वाला टर्म इधर निगेटिव. यहां तक आप समझ गए, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा इज इक्वल टू बीटा टाइम्स म्यू टू माइनस म्यू वन. अब मैं अल्फा बीटा गामा की बात करता हूं. सारी क्वेश्चन मैंने अल्फा बीटा गामा में लिख लिया. व्हाट इज अल्फा, अगर मैं इस ट्रायंगल में लिखता हूं ओ ए एन, इस इक्वेशन का नाम अगर मैं इक्वेशन नंबर वन लिख सकता हूं, तो आप देखना बेटा इन ट्रायंगल ओ ए एन, ओ ए एन ट्रायंगल में देखते हैं, टैन अल्फा लिखता हूं मैं, टैन अल्फा क्या आएगा, ए एन टैन इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए एन अपॉन ओ एन. क्लियर हो गई बात बेटा. मुझे पता है एंगल स्मॉल, देन टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा. इसी तरह मैं बीटा के लिए लिखने जाता हूं, तो मैं कौन सा ट्रायंगल चूज करूंगा, ये वाला ए एन सी. इन ट्रायंगल ए एन सी टेन बीटा इज ए एन अपॉन एन सी. एंगल स्मॉल, देन टेन बीटा इज बीटा. नाउ मुझे गामा की वैल्यू चाहिए, तो मैं ट्रायंगल ये वाला चूज करने वाला हूं, ए एन आई, ए एन आई टेन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए एन अपॉन एन आई गामा. क्लियर होगी बात बेटा. तो मैं क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दू. नाउ इन इक्वेशन
वन, इक्वेशन वन पे चलते हैं, ये वैल्यूज रखता हूँ, अल्फा की वैल्यू क्या रख दूंगा, ए एन अपॉन ओ एन, देखिए म्यू वन टाइम्स ए एन अपॉन ओ एन, ये वैल्यू उठा के रख दी। गामा की वैल्यू रख दूँ ओ एन अपॉन ए एन अपॉन एन आई, म्यू टू टाइम्स ए एन अपॉन एन आई इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू रखनी है, म्यू टू माइनस म्यू वन पहले लिख लिया, बीटा इज वॉट ए एन अपॉन एन सी, दिस इज ए एन अपॉन एन सी, ए एन सब में कॉमन काट देता हूँ, म्यू वन बाई ओ एन प्लस दिस इज म्यू टू, म्यू टू बाई एन आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा एन सी, क्लियर हो गई बात बेटा। अब मैं ये जो इनकी वैल्यूज हैं ये तो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, इनकी ऑप्टिकल डिस्टेंस रखूंगा तो मैं विद साइन रखूंगा, आपको पता है। अब देखिए ये केस कौन सा है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट के केस में आपको याद होगा यू क्या था, नेगेटिव, और रियल इमेज के केस में वी कैसा था, पॉजिटिव, क्लियर हो गई बात बेटा। या फिर मैं इंसिडेंट रे से देख लेता हूं, दोनों एक ही बात है, मैं ऑब्जर्वर को यहां खड़ा करता हूं, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा तो क्या मैं कह सकता हूं ओ एन जो आ जाएगा वो माइनस यू आ जाएगा, क्लियर होगी बात। अगर मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना है, सी पर जाना है, तो यानी ये डिस्टेंस जो आर होगी सी पर जो मुझे पहुंचना है उसकी डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो आर विल बी पॉजिटिव, यानी एन सी इज प्लस आर। अगर मुझे इमेज पर पहुंचना है तब भी मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अलॉन्ग जाना पड़ेगा, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, और इमेज की डिस्टेंस होती है वी, देन वी विल बी पॉजिटिव, मीन्स एन आई विल बी प्लस वी, क्लियर हो गया बेटा। तो वैल्यू रखते हैं म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू टू बाई वी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन प्लस आर, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, क्लियर हो गया बात बेटा। नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर दैट इज द फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। द क्वेश्चन इज रे डायग्राम शोन इन द फिगर फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी एक्चुअली, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे चली, ऑब्जेक्ट किस इंसिडेंट रे किस में चली, म्यू वन में थ्री बाई टू में, रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में जाएगी, उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है वन, और इस कर्व सरफेस का रेडियस दिया गया है 20, क्लियर हो गया बात बेटा। तो मुझे फॉर्मूला पता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, क्लियर हो गई बात बेटा। तो मैं वी मुझे पता करना है एक्चुअली, लोकेशन ऑफ इमेज इज वी, यू और आर सारी वैल्यूज मैं लिख लेता हूं, क्या दिया है यू आर म्यू वन म्यू टू, यू इज वॉट, इस सरफेस से मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखनी है और मुझे पता है कि यह ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाके मिलेगा, कैसे, एक ऑब्जर्वर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इंसिडेंट रे के, तब मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसका मतलब यू का साइन कैसा हो गया -10, क्लियर होगी बात। ये इस तरह की कर्व सरफेस है, इसका मतलब इसका सेंटर यहां कहीं होगा, अगर सेंटर यहां कहीं होगा तो इस ऑब्जर्वर को सेंटर के पास जाने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन ये, इसका मतलब रेडियस ऑफ कितनी आ गई यहां पर -20, म्यू वन इंसिडेंट रे 3/2, रिफ्लेक्टेड रे किस में आएगी 1, नाउ दिस वैल्यू शुड बी पुट इन दिस फॉर्मूला, म्यू टू बाई वी 1/v, वी मुझे पता नहीं है उसका साइन सही उसकी वैल्यूज आएंगी, म्यू वन 3/2 इंटू -10 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वी वन 1 - 3/2 अपॉन -20 1/v प्लस माइनस इधर आके आ जाएगा -3/20 -1/2 -20 इट्स टर्न आउट टू बी +1/40, क्लियर हो गया। कॉमन ले लेते हैं 40 -6 +1 40 इज इक्वल टू -5v
वी आ गया बेटा माइनस एट। क्लियर होगी बात? माइनस एट इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इस तरफ ना बनके किधर बनेगी, इधर बनेगी, यानी लोकेशन ऑफ इमेज विल बी, इमेज यहां पर होगी जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा 8। दिस इज व्हाट इज लोकेशन ऑफ इमेज। क्लियर होगी बात बेटा? अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाती तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है यहां पर एच आई अपॉन एच ओ, ये आपको पता ही है, म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू इज द मैग्निफिकेशन। क्लियर होगी बात बेटा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन इज म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू।